दोस्तों, अगर आपका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी साइंटिफिक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करने के बाद आप पढ़ाई तो क्या किसी भी काम को लंबे टाइम तक और मन लगाकर कर पाओगे। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि इस टेक्निक को यूज करते वक्त कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है, वो भी जान लेना। इसलिए वीडियो छोड़ करके मत जाना, आधा ज्ञान डेंजरस होता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो वही होगा जो आज तक होते आया है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आप फिर दूसरी वीडियो ढूंढने लग जाओगे। तो क्या है वो टेक्निक और ये कैसे आपकी पढ़ाई में मदद कर सकती है, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इस टेक्निक के जरिए आप पढ़ाई या किसी और काम को लंबे टाइम तक मन लगाकर कर सकते हो। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप पढ़ाई में मन लगाना चाहते हो और बिना थके लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करना चाहते हो तो आपको करना ये है कि अपने टाइम को 25-25 मिनट में डिवाइड करना है। इसके बाद आपको 25 मिनट तक लगातार पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के दौरान आपको बैठे नहीं रहना। इस 5 मिनट में आपको घर में ही इधर उधर टहलना है या आप चाहो तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। 5 मिनट बाद आपको फिर से पढ़ाई करने बैठना है और 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है। इस तरह से आप 25-25 मिनट के 3 राउंड पूरे करते हो तो आपकी 75 मिनट्स की पढ़ाई हो जाएगी। और ऐसे धीरे धीरे पढ़ाई करना आपकी रोज की हैबिट बन जाएगी और आपका पढ़ाई करने का टाइम भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों, एक पोमोडोरो का मतलब होता है 25 मिनट। और दोस्तों, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि मैक्सिमम हमारा कंसंट्रेशन लेवल 25 मिनट तक ही रहता है। और यही कारण है कि मैंने आपको बोला 25 मिनट तक पढ़ाई करनी है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। दोस्तों, इस टेक्निक का यूज करते वक्त आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इस टेक्निक को अपनाते वक्त अपना मोबाइल फोन बंद कर दें ताकि आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाए और आप फोकस कर पाओ। नंबर 2, दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, एक पोमोडोरो का मतलब होता है 25 मिनट, यानी कि दो पोमोडोरो के बीच का जो ब्रेक होगा 5 मिनट का, उस ब्रेक के समय आप कुछ भी करें लेकिन खाली बैठे ना रहें। नंबर 3, रिलैक्स रहें और अपने एटमॉस्फेयर को अपने काम के हिसाब से बनाएं। दोस्तों, अगर मैं इस टेक्निक के फायदों की बात करूं तो इसके वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। इसका सबसे पहला फायदा तो ये है कि जब आप 25 मिनट तक पढ़ाई करोगे और फिर 5 मिनट का ब्रेक लोगे तो आपको आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगी, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। दूसरा फायदा, इस टेक्निक की हेल्प से आपके द्वारा टारगेट अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो बिना थके हुए, बिना रुके हुए। आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी। इस टेक्निक की ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तीसरा फायदा, इस टेक्निक को फॉलो करने से आपकी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है, जो टालने की जो आदत है, वो भी ब्रेक होगी। आप किसी भी काम को टालोगे नहीं कि चलो ये काम मैं कल से कर लूंगा, ये अब नहीं होगा। चौथा फायदा, इस टेक्निक को फॉलो करने से आपकी वर्क एबिलिटी यानी कि कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आप लंबे टाइम तक पढ़ाई या किसी और काम को कर पाते हो। दोस्तों, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप अब भी बहाने बनाने में लग गए कि मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मैं तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता, तो आपका भविष्य ही खराब होगा। जिन बच्चों के पास दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, जो कैंडल की लाइट में पढ़ते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोगों के पास अच्छा घर है, अच्छे माता पिता हैं जो आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा भी कर रहे हैं, और आप बोलते हो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपकी लाइफ है यार। आपको या तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लेना है या फिर ऐसे ही नींद में सोते रह जाना है। तो अब आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, आपकी ही लाइफ खराब होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे द्वारा बताई गई टिप्स को फॉलो करने से आप अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स इंप्रूव कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।